राजनीति में जो दरवाजे बंद करके रखे जाते हैं बाहरियों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सिर्फ जो खाटी पॉलिटिशियन है वही आगे बढ़ेगा। प्रोफेशनल कांग्रेस का जन्म ही उन दरवाजों को खोलने के लिए, उन हर्डल्स को गिराने के लिए हुआ था। बहुत सारे प्रोफेशनल्स व्यथित हैं आज देश में। क्या हो रहा है आज, जो हो रहा है आज, इस देश की बेटी और सबसे होनहार बेटियां जिन्होंने इस देश का सिर ऊंचा किया, तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और आरोपी जो है वो सदन में। लेकिन अगर आपको दिक्कतें हैं आज की व्यवस्था से, अगर आपको दिक्कत है कि इस देश को विभाजित किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि मोहब्बत ही नफरत का एक जवाब है, जिसको दिक्कत है कि समानता होनी चाहिए, जिसको दिक्कत है कि देश के सारे संसाधन एक ही या दो लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए, जिसको दिक्कत है कि यह देश विभाजित नहीं हो सकता, वो जरूर जुड़ना चाहेगा कि अगर इस देश से मोहब्बत है, अगर दिल में सच है और दिल में इंडिया है, तो आप जरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और प्रोफेशनल कांग्रेस के साथ जुड़िएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से ज्यादा सशक्त माध्यम परिवर्तन का दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, हम तीनों लोग जो यहां पर बैठे हैं, हम परिवर्तन का एक माध्यम बनना चाहते थे, हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते थे, हमें लगता है कि हम एक भूमिका निभा सकते हैं। और इस तरह का प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी देती है। तो प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से यह आवाहन कांग्रेस पार्टी कर रही है कि हर वो प्रोफेशनल, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कतें हैं आज की व्यवस्था से, अगर आपको दिक्कत है कि इस देश को विभाजित किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि मोहब्बत ही नफरत का एक जवाब है, तो प्रोफेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनिए। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, आप अलग अलग तरह का रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सिर्फ एक डिजिटल वॉलंटियर हो सकते हैं, आप पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, अगर आप चाहिए तो जैसा राहुल जी ने आह्वान किया, आप हमारे स्पोक्स पर्सन भी बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहिए आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो एक तरह से राजनीति में जो दरवाजे बंद करके रखे जाते हैं बाहरियों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सिर्फ जो खाटी पॉलिटिशियन है वही आगे बढ़ेगा। प्रोफेशनल कांग्रेस का जन्म ही उन दरवाजों को खोलने के लिए, उन हर्डल्स को गिराने के लिए हुआ था। और ये जो रिन्यूड ड्राइव है, उसका एक कारण ये है कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और ये एक फीडबैक के तौर पर है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स व्यथित हैं आज देश में क्या हो रहा है। एक आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी हम सब बात करते हैं, जहां पर आप शांति से रहिए, आप अपनी गुजर बसर शांति से करिए, लेकिन बगल वाले को भी शांति से रहने दीजिए, जहां पर एक दूसरे से इसलिए वैमनस्यता ना हो कि मेरा नाम आपके नाम से इतर है, जहां पर इसलिए दिक्कतें ना हो क्योंकि मैं और आप अलग अलग भाषा बोलते हो, उन विविधताओं को अगर संजो कर रखना है। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन विविधताओं को, उन मान्यताओं को संजो कर रखना है, और उसका सबसे सशक्त माध्यम प्रोफेशनल कांग्रेस हो सकता है, प्रोफेशनल कांग्रेस होगा। और जैसा कि यहां पर कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम प्रोफेशन से, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, चाहे वो एकेडमिया के लोग हों, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग हों, कई डॉक्टर्स, कई आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे खेल जगत के लोग हमसे जुड़े। और अब जब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आह्वान किया है राहुल जी से कि वो एक दोबारा से पूर्व से पश्चिम तक की एक भारत जोड़ो यात्रा करें, जैसा कि आपको पता है ये आह्वान उनसे कांग्रेस जन के तौर पे हम सब ने किया है, तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे और ये प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से संभव होगा। ये मेंबरशिप ड्राइव जो profcongress.in की साइट पर जाकर आप सिंपली ले सकते हैं, ये उसको यथार्थ करने के लिए है। क्योंकि, और मैं इसी बात को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी, कि आज जो हो रहा है, आज इस देश की बेटी और सबसे होनहार बेटियां जिन्होंने इस देश का सिर ऊंचा किया, तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और आरोपी जो है वो सदन में। जिसको इससे दिक्कत है वो जरूर प्रोफेशनल कांग्रेस, और अगर आप प्रोफेशनल हैं आप प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ना चाहिएगा। जिसको दिक्कत है कि समानता होनी चाहिए, जिसको दिक्कत है कि देश के सारे संसाधन एक ही या दो लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए, वो जरूर जुड़ना चाहेगा। जिसको दिक्कत है कि किसानों को इस देश में नहीं
पीटा जा सकता है वो जरूर जुड़ना चाहेगा। जिसको दिक्कत है कि यह देश विभाजित नहीं हो सकता वो जरूर जुड़ना चाहेगा। और मुझे लगता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इस मंच पर तो हम तीन लोग बैठे हैं, हमें कांग्रेस पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और हम सब प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। जो हमने कांग्रेस ज्वाइन किया तो वो दरवाजे क्योंकि कांग्रेस ने खोले थे, हमारी मान्यताएं थी, हमारी कांग्रेस के साथ विचारधारा थी, इसलिए हम कर पाए। और इसीलिए इस मंच से हम उन सब प्रोफेशनल से आग्रह भी करेंगे, उनका आह्वान भी करेंगे कि अगर इस देश से मोहब्बत है, अगर दिल में सच है और दिल में इंडिया है तो आप जरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और प्रोफेशनल कांग्रेस के साथ जुड़िएगा।